नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UK वीडियो वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चक्राता के भ्रमण पर लेकर जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चक्राता उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने शांत वातावरण और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए जाना जाता है। चक्राता समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और देहरादून जो सिटी है वहाँ से लगभग 98 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चक्राता स्कीइंग और ट्रैकिंग के लिए एक आदर्श स्थान है। चक्राता को जौनसार पावर के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं या ट्रैकिंग में आपकी दिलचस्पी है तो फिर चक्राता आपके लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। और अगर आपको कुदरती खूबसूरती के साथ साथ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में भी जो है पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप चक्राता ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आप कैंपिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, रैपिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जो है कर सकते हैं। तो अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि चक्राता के बेस्ट प्लेसेस कौन से हैं जहाँ पर आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो चक्राता का मेन पर्यटन स्थल में आता है वो है टाइगर फॉल्स। टाइगर फॉल्स चक्राता से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये 312 फीट की औसत ऊंचाई पर स्थित है। और सबसे बड़ी जो खासियत है इस झरने की वो ये है कि इसकी जो आवाज़ है ना वो शेर की दहाड़ जैसी है। तो अगर आप उसके पास से भी गुजरोगे तो ये जो आवाज़ है ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और दूसरी बात ये है कि ये भारत का हाईएस्ट डायरेक्ट वाटरफॉल में से एक है। और टाइगर फॉल को जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है चक्राता की, उसमें कैलू पछाड़ या कैरव पछाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और 100 मीटर के पहाड़ की ऊंचाई से जो गिरता हुआ ये झरना है ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा डायरेक्ट फॉल है। अब चक्राता का दूसरा प्रमुख पर्यटन स्थल है लाखा मंडल। लाखा मंडल एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है और चक्राता से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। लाखा मंडल के पूरे क्षेत्र में 1.25 लाख शिवलिंगों का संग्रह है। लाखा मंडल यमुना नदी के किनारे बसा है और इस प्राचीन शिव मंदिर की जो ऊंचाई है वो 18.5 फीट। मंदिर बड़े शिलाखंडों से निर्मित है और यहाँ मिले जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा का उनमें उल्लेख है। मंदिर को 8वीं सदी का बताया जाता है, हालांकि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो उसे पांडव कालीन बताते हैं। इसके बाद तीसरी जगह आती है कानसर। कानसर देवदार के पेड़ों के घने जंगल से घिरा हुआ है और त्योणी रोड पर चक्राता से 25 किलोमीटर दूरी पर ये बसा है। ये चक्राता का एक काफ़ी फेमस पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पर एक सुंदर सा बुग्याल भी है, यानी जो मखमली घास का मैदान होता है वो। समुद्र तल से 8.5 हज़ार फीट की ऊंचाई पर देवदार के जंगलों से घिरे इस बुग्याल को देखना वाकई में काफ़ी शानदार होता है। और यहाँ देवदार के 600 साल से भी ज़्यादा पुराने वृक्ष जो हैं आज भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर जाकर जो है अच्छी खासी पिकनिक जो है ना मनाई जा सकती है। इसके बाद चौथा स्थान आता है देवबन। देवबन 2900 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है और ये राजसी हिमालय का बेहद अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। व्यास शिखर देवबन की सबसे ऊंची चोटी है जहां से पर्यटक हिमालय की चोटियों के विहंगम दृश्यों को देख सकते हैं। देवबन क्षेत्र एक आरक्षित वन है जो देवदार वृक्षों के घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको वनस्पति और जीवों की एक विस्तृत विविधता जो है उनमें देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ जो है देखने के लिए मिल जाती। देवबन और कानसर दोनों में वन विभाग का ट्रेनिंग कैंप, तो वहाँ पर जो वन विभाग के अधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। देवबन एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है, तो जो टूरिस्ट होते हैं वहाँ पर नेचर के करीब रहकर कुछ क्वालिटी टाइम जो है बिता सकते हैं। साथ ही देवबन में नाइट कैंपिंग के लिए जो है काफ़ी अच्छा स्पॉट इसे माना जाता है। पांचवा यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल आता है मुंडाली। चक्राता से
36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और सर्दियों के मौसम में यहाँ पर टूरिस्ट जो है स्कीइंग करने के लिए आते हैं। स्कीइंग के लिए काफ़ी पॉपुलर जो है डेस्टिनेशन है। और ये 2776 मीटर की ऊंचाई पर स्कीइंग जो है प्रदान करता है। साथ ही ये एरिया हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है और हिमालय के जो शानदार दृश्य होते हैं वो यहाँ से इजीली देखे जा सकते हैं। और मुंडाली में एक घास का मैदान भी है और साथ ही आप यहाँ पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप कुछ और विंटर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर करने का मौका मिल जाएगा। और मुंडाली जो खडंबा है वहाँ पर ट्रैकिंग भी की जा सकती है। अगर आपको ट्रैकिंग में दिलचस्पी है और अगर आप चकराता कभी जाते हैं तो फिर चकराता के पास में 10,000 फीट की ऊंचाई पे मुंडाली और खडंबा की पहाड़ियाँ हैं, तो ट्रैकिंग के लिए ये काफ़ी पॉपुलर हैं। और जो भी मतलब ट्रैकिंग में दिलचस्पी रखने वाले लोग चकराता जाते हैं तो वो मुंडाली और खडंबा में ट्रैकिंग करना नहीं भूलते। उसके अलावा और ट्रैकिंग करने के अलावा जो है वहाँ पे काफ़ी सारे जो देवी देवता हैं उनके मंदिर भी हैं, तो वहाँ पर भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसके बाद आता है चिरमिरी। चिरमिरी चकराता के एक सूर्यास्त बिंदु के रूप में काफ़ी लोकप्रिय है। वहाँ से जो है आप सनसेट का नज़ारा देख सकते हैं जो कि काफ़ी शानदार होता है। चकराता से ये लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और ये वाला भी जो एरिया है वो देवदार के पेड़ों से ना पूरी तरह से घिरा हुआ है। और चकराता की सैर पर जो भी टूरिस्ट जाते हैं तो वो चिरमिरी में जाकर जो है वहाँ का सनसेट देखना ज़रूर पसंद कर। उसके अलावा चिरमिरी ने चकराता की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ से आपको हिमालय के काफ़ी अच्छे दृश्य देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप बंदरपूंछ, रोहिणी जैसी जो चोटियाँ हैं उनको भी यहाँ से इजीली देख सकते हैं। साथ ही ये जो जगह है वो अलग अलग पक्षियों और रंगीन जो तितलियाँ होती हैं उनको देखने के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। इसके बाद बात करते हैं महासू देवता मंदिर की। तो सिद्धपीठ श्री महासू देवता का मंदिर हनोल में स्थित है। ये मंदिर महासू देवता को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जो हनोल और आसपास के जो गांव है चकराता के वहाँ के स्थानीय लोगों के आराध्य देव हैं। इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और हनोल चकराता से 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और साथ ही ये जो मंदिर है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। महासू देवता मंदिर समुद्र तल से 1,050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और महासू देवता मंदिर में कुछ त्यौहार जो होते हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं, जैसे कि बिसू हो गया, होली हुआ, दिवाली, पौष पूर्णिमा और बसंत पंचमी, ये वहाँ पे मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं। इसके बाद आता है बुड़ेर या मोइला डंडा भी जिसे कहा जाता है। चकराता के पास 2800 मीटर की ऊंचाई पर सिर्फ मखमली घास का मैदान बुड़ेर कहलाता है या मोइला डंडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पे चूना पत्थर की प्रचुरता के कारण छोटी बड़ी जो है गुफाएं हैं जिन्हें बुड़ेर केव्स के नाम से भी जाना जाता है। बुड़ेर एशिया के बेहतरीन जंगलों में से एक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा जो है वो जंगल होगा और वहाँ पे नेचर वॉक करने का अपना एक अलग ही मजा है। और ठंड के समय ये जो एरिया है वो बर्फ़ से ढक जाता है और वहाँ पे काफ़ी सारे विंटर स्पोर्ट्स जो होते हैं वो आयोजित किए जाते हैं। और ये जो मैदान है वो देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है और साथ ही ये एशिया के भी सबसे अच्छे जंगलों में से एक है। इसके बाद बात करते हैं बुढ़ेर केव्स। तो बुढ़ेर केव्स जिन्हें म्योला केव्स भी कहा जाता है, ये चकराता से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो फिर ये आपके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर 150 मीटर लंबी गुफा है और इस गुफा में घूमने का जो एक्सपीरियंस है वो आप ले सकते हैं। और ये जो गुफाएं हैं वो चूना पत्थर से बनी हुई। इन सब के अलावा चकराता स्टार गेजिंग के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि शहर में मौजूद जो प्रदूषण है और रोशनी है वहाँ की चकाचौंध में अक्सर हम लोग आसमान में तारे नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर आप खुले आसमान में तारों से भरी रात को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो फिर आपको चकराता में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि स्टार गेजिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। और इसके अलावा आप चकराता में
चीड़ महावृक्ष की समाधि को भी देख सकते हैं। ये काफ़ी अचरज भरी चीज़ है। अगर आप हनोल जा रहे हैं महासू देवता मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एक एरिया है खूनीघाट, वहाँ पर एशिया महाद्वीप के सबसे ऊंचे चीड़ महावृक्ष की समाधि को आप देख सकते हैं। दरअसल चीड़ महावृक्ष के धराशायी हो जाने के बाद टॉस वन प्रभाग की ओर से उसकी सभी डांटें सुरक्षित रखी गई थी। इस महावृक्ष की समाधि को देखने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर आते हैं। तो अगर आप भी चकराता जाने का प्लान बनाते हैं और महासू देवता मंदिर हनोल जाते हैं, तो फिर चीड़ महावृक्ष की समाधि को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हनोल से काफ़ी नज़दीक है। अब आपको बताते हैं चकराता घूमने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। वैसे तो आप चकराता में साल में किसी भी समय जो है जा सकते हैं, लेकिन अगर बेस्ट टाइम देखा जाए तो वो आपका अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच होता है। मॉनसून के टाइम पे थोड़ा बारिश वगैरह होती है, तो उस टाइम पे जो है यहाँ पर जाना अवॉइड करना चाहिए। और एक बात का आपको ध्यान देना है कि चकराता एक छावनी क्षेत्र है, तो 24 घंटे ये सेना की रखरखाव में रहता है। तो जब भी आप यहाँ पर जाएं, तो अपना जो पहचान पत्र है वो ले जाना ना भूलें। और जो विदेशी यात्री होते हैं उनको तो यहाँ पर घूमने के लिए भी काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है, उन्हें परमिट वगैरह जो है यहाँ पर बनवाना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप जाएं वहाँ पर, तो अपने जो आई कार्ड्स वगैरह हैं वो ज़रूर अपने साथ रख लीजिए। तो चकराता प्रकृति प्रेमियों के लिए, एडवेंचर लवर्स के लिए और वाइल्ड लाइफ के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। तो अगर आप भी उत्तराखंड के किसी और भी डेस्टिनेशन में जाने का मन बना रहे हैं, तो चकराता आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित हो। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल UK Video World को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।